हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय श्रोतागणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आपको बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज भी लेकर के उपस्थित हुए हैं आपके सम्मुख आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम जिसका नाम है दैनिक राशिफल। और ये दैनिक राशिफल की चर्चा हम करें आपके साथ, इससे पहले हमेशा की तरह आज भी आपको पंचांग के विषय में जानकारी देंगे पहले, उसके बाद करेंगे चर्चा आपके साथ दैनिक राशिफल को लेकर। और बताना चाहेंगे कि ये पंचांग और दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 4 मई सन 2023 दिन गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार संवत 2080 का है। ये हिंदी का महीना अभी चल रहा है, वैशाख का महीना, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष, तिथि होगी आज चतुर्दशी, नक्षत्र रहेगा चित्रा, योग रहेगा वज्र और करण होगा गर, राशि रहेगी आज कन्या, लेकिन चंद्रमा आज प्रातः 9:10 पर कन्या राशि से निकल करके तुला राशि में करेंगे प्रवेश। राहु काल की समय अवधि आज दोपहर 2:02 से लेकर शाम 3:40 तक रहेगी और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वो दोपहर 12 से लेकर दोपहर 12:48 तक रहेगी। और इसके अतिरिक्त आज नरसिंह जी की जयंती भी है। तो ये थी जानकारी पंचांग के विषय में साथियों। अब करेंगे चर्चा आपके साथ आपके अपने दैनिक राशिफल के विषय में, जो कि पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की जो वर्तमान स्थिति अभी है बनी हुई है ये उसी पर आधारित है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे वीडियो देखते तो हैं पर अभी भी 80% व्यूअर्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगता है तो प्लीज ये सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूलें। ये आपके लिए तो फ्री है पर इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। आरंभ करेंगे मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन है। तो साथियों, आपको बताना चाहते हैं कि आज के दिन आप मेष राशि के जो जातक हैं अपने किसी पार्टी या किसी पिकनिक का आप आनंद लेंगे, उसको एंजॉय करेंगे और जो भी रचनात्मक कार्य आपके द्वारा किए जाएंगे वो भी सफलतापूर्वक पूरे होंगे। आपका जो भी व्यवसाय है, चाहे रोजगार है चाहे व्यापार, वो आपके अनुरूप चलेगा, अच्छे तरीके से चलेगा और उसी के कारण आपका मन भी आज प्रसन्न बना रहेगा पूरे दिन। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता जरूर मन में रहेगी और पारिवारिक उन्नति भी होने वाली है, ये एक तरीके से उसके योग भी बने हुए हैं। और देखिए, कहीं ना कहीं आप यात्रा पर भी निकल सकते हैं, ये यात्रा आपके लिए बड़ी सुखद रहेगी। और जो भी कार्य आप करें पेशेंस के साथ करें, विवेक के साथ करें, अगर आप धैर्य के साथ शांति के साथ बिना किसी जल्दबाजी किए हुए अपने कार्यों को करेंगे तो मान के चलिए कि कार्य तो सफलतापूर्वक पूरे करेंगे ही करेंगे आप, उनसे आपको अच्छा लाभ भी मिलेगा। उपाय आप करें, सफेद गाय को आटा या फिर काली चींटियों को चीनी खिलाने से पारिवारिक सुखों में आपके वृद्धि होगी। शुभ रंग आपके लिए संतरी, शुभ अंक आपके लिए आज 2। वृषभ राशि यानी कि टॉरस साइन। प्रिय साथियों, आप वृषभ राशि के जातकों से बताना चाहते हैं कि एक तो आज अपने शत्रुओं से, अपने विरोधियों से सावधान रहें, उनकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखें, लेकिन उनके साथ किसी वाद विवाद में ना पड़ें। आज के दिन थोड़ा हेल्थ भी आपका डाउन रहेगा, भूमि और भवन संबंधित सेल या परचेज से संबंधित कोई अच्छी प्लानिंग आप बनाएंगे करेंगे तैयार। और अगर आप अपने रोजगार के लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं ढूंढने के लिए तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्ति के योग बन रहे हैं। मान प्रतिष्ठा में थोड़ी बहुत कमी आ सकती है, इसका रखना होगा आपको विशेष ध्यान। काम काज में भी बाधाएं आपके लिए आ सकती हैं आज, जो भी आप कार्य करेंगे या कर रहे हैं उनमें बाधाओं का भी सामना करना पड़ सकता है। और जो भी आपके साथ कर्मचारी जुड़े हुए हैं, जो भी चाहे आपके जूनियर हैं, सीनियर्स हैं या फिर आपके सहयोगी हैं, मतलब कलीग्स हैं, उन पर किसी भी प्रकार का संदेह आप बिल्कुल ना करें। थोड़ी बहुत फाइनेंशियली आप टाइट रहेंगे, धन का अभाव महसूस करेंगे आज के दिन। उपाय आप ये करें, चांदी का सिक्का गंगा जल में डाल करके उसको घर में रखिएगा। जी हाँ, यह आपकी आर्थिक उन्नति को और बेहतर करेगा, मतलब अच्छी उन्नति करवाएगा धन के मामले में। शुभ रंग आपके लिए हरा और शुभ अंक आपके लिए आज 6। मिथुन राशि यानी कि जेमिनी साइन। साथियों, आज आप जो मिथुन राशि के जातक हैं आपको कोई पुराना रोग
पुरानी बीमारी कोई परेशान कर सकती है और कहीं से कोई ऐसा समाचार मिल सकता है कि जिसके कारण आपका मन थोड़ा दुखी हो। और आज के दिन आपको कुछ भागदौड़ भी अधिक करनी पड़ सकती है और ये भागदौड़ कुछ ऐसी होगी कि जिसकी कोई ज्यादा आउटपुट आपको नहीं मिलेगी। जोखिम भरे कार्यों से आज के दिन थोड़ा बच के रहें, दूर रहें। आज जोखिम भरे कार्य हाथ में ना लें तो ज्यादा अच्छा है। और कोर्ट कचहरी से संबंधित भी अगर कोई मामला है तो उसको भी आज के दिन अगर टाल सकते हैं तो ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। जो आपके रुके हुए कार्य हैं वो एक बार दोबारा से आप चाहें तो उनको पूरा कर सकते हैं। व्यावसायिक गोपनीयता अपनी बिल्कुल भंग ना करें, ना होने दें। यानी कि आपके व्यवसाय को लेकर के जो भी आपके सीक्रेट्स आपके पास हैं उनको किसी के साथ शेयर बिल्कुल ना करें। देखिए आपकी जो है थोड़ा म्यूजिक में, संगीत में रुचि बढ़ेगी, इंटरेस्ट बढ़ेगा आपका और आपकी आर्थिक स्थिति भी पहले से कहीं बेहतर होगी। आज के दिन उपाय आप करें आर्थिक स्थिति को और बेहतर बनाने के लिए। यदि आप और अच्छा देखना चाहते हैं उसके लिए कांसे का जो पात्र होता है उसका आप दान करें जाकर के। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। शुभ रंग आपके लिए सफेद, शुभ अंक आपके लिए आज 9। कर्क राशि यानी कि कैंसर साइन। साथियों यात्रा जो भी आप करते हैं आज के दिन किसी भी कार्य को लेकर के वो सफल सिद्ध होगी और जो भी आपके ओर से प्रयास किए जा रहे हैं किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए या किसी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए उसमें भी आप पूरी तरह से सफल रहेंगे। बस इतना ध्यान रखना है, इतना आपको ध्यान रखना होगा कि भाई आपकी जो वाणी है वो उसको नियंत्रण में रखना है, उसको कंट्रोल में रखना है कि किसी के भी साथ बातचीत करते समय कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आपके द्वारा जाने और अनजाने ना होने पाए कि ताकि दूसरे आदमी को आपके शब्दों से तकलीफ हो या कष्ट हो, इसका ध्यान रखना होगा आपको। बाकी लाभ होने की बहुत अच्छे योग बन रहे हुए हैं, लाभ प्राप्त होने के आपको आज के दिन। और व्यवसाय जो भी आप कर रहे हैं, व्यापार या रोजगार, वहां पर भी आपके अच्छे उन्नति के योग बनते दिख रहे हैं। वाणी पर तो जैसा हमने कहा कि संयम रखना बहुत आवश्यक है आपको अपनी। अगर आपने वाणी पर संयम रख लिया तो बात पूरा दिन हम कहें कि आपका बहुत अच्छे ढंग से निकलेगा, व्यतीत होगा और जीवन साथी भी आपके लिए मददगार साबित होगा और फिर आपका समाज में मान और सम्मान में भी वृद्धि होगा, स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। और उपाय अगर आप करना चाहते हैं तो गणपति जी की कोई फोटो यानी कि चित्र हमेशा अपने पास रखिएगा, अपने पॉकेट में रखिए। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके प्रेम संबंध बेहतर होंगे, मजबूत होंगे। शुभ रंग आपके लिए स्लेटी, शुभ अंक आपके लिए 7। सिंह राशि यानी कि लियो साइन। तो साथियों पुराने मित्र एवं संबंधियों से आपकी मुलाकात संभव है आज। शुभ समाचार की भी प्राप्ति कहीं ना कहीं से हो सकती है और जो आपका कारोबार है, व्यवसाय है, वो भी आपके इच्छा के अनुरूप रहेगा, चलेगा और आपका मान भी बढ़ेगा। स्वजन जो है आपके उनके साथ मेल मिलाप रहेगा पूरे दिन और नौकरी में भी आपकी अच्छी पदोन्नति होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। किसी की आलोचना नहीं करनी है आपको, चाहे कोई कितना ही आपको इसके लिए उकसाए आप किसी की आलोचना ना करें और अपने खान पीन पर पूरा ध्यान दें। आर्थिक संपन्नता आपकी बढ़ने वाली है, उसके लिए भी कुछ अच्छे योग बनते दिख रहे हैं ग्रहों के द्वारा। उपाय आप करें तांबे का सिक्का या टुकड़ा अपनी जेब में रखेंगे तो इससे आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। शुभ रंग आपके लिए केसरी, शुभ अंक आपके लिए आज 2। कन्या राशि यानी कि वर्गो साइन। साथियों देखिए जो आप कन्या राशि के जातक हैं यदि आप रोजगार की प्राप्ति के लिए अपने प्रयास कर रहे हैं तो आपको उन प्रयासों में सफलता मिलने के अच्छे योग बन रहे हैं। और अगर आप कोई यात्रा करते हैं अपने किसी कार्य के सिलसिले में तो ये यात्रा भी आपकी सफल सिद्ध रहेगी और कहीं से कुछ अच्छा और बड़ा धन का लाभ भी आपको प्राप्त होने के कुछ अच्छे संकेत ग्रहों की ओर से मिल रहे हैं। यदि आप नौकरी करते हैं, रोजगार में हैं, तो वहां पर भी आपके अधिकारों में वृद्धि होने के संकेत हैं। व्यावसायिक समस्या का हल आपके द्वारा
निकल पाएगा और नई योजना में लाभ की भी संभावना बन रही है मिलने की। आपको घर में मांगलिक कोई कार्य हो सकता है और जीवन साथी से संबंधित जो भी चीजें हैं आपके और उनके बीच में, उसमें आपके एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, अच्छे संबंध होंगे, मजबूत संबंध बनेंगे आपके और उनके बीच में। उपाय आप करें पारिवारिक जीवन को शांतिपूर्ण बनाने के लिए एक हरा नारियल लेकर के किसी भी धार्मिक स्थान में जाकर के दान दें। शुभ रंग आपके लिए नीला, शुभ अंक आपके लिए आज 3। तुला राशि यानी कि लिब्रा साइन। साथियों, आज जो आप तुला राशि के जातक हैं, अपने सुख साधनों को प्राप्त करने के लिए ऐच्छिक, मतलब जो आपकी इच्छा के अनुरूप जो आप चाहते हैं, ऐसे सुख साधनों पर आपका धन आपके द्वारा खर्च किया जाएगा। स्वास्थ्य लेकिन थोड़ा सा नरम रहेगा और किसी प्रकार के विवाद में अपने आप को ना उलझाएं, इसका भी ध्यान रखें और अपनी जो वैल्यूएबल्स हैं उनको संभाल करके रखें। जो भी आपके वैल्यूएबल्स हैं, यानी जो भी ऐसी वस्तुएं हैं जो बहुत कीमती हैं, उन वस्तुओं को अपने कंट्रोल में रखें, अपने नियंत्रण में रखें। और राजकीय कार्य में भी परिवर्तन के योग बनेंगे। राजकीय कार्य का मतलब है कि कोई भी सरकारी विभाग से संबंधित कोई अगर आपका कार्य रुका हुआ है तो वहां पर भी कुछ ना कुछ आपको आपका कार्य बनता हुआ दिखाई देगा। यदि आप किसी सरकारी विभाग में कार्यरत हैं तो वहां पर भी आपका कोई ट्रांसफर आदि हो सकता है आपकी इच्छा के मुताबिक, या कोई आपका प्रमोशन भी हो सकता है। आलस्य का परित्याग करना होगा, आपको आलस्य त्यागना होगा अगर आप चाहते हैं कि आपको आपके अनुरूप परिणामों की प्राप्ति हो। और जो भी कार्य आप करेंगे वो सारे कार्य ऐसे होंगे कि जिनकी लोगों के द्वारा प्रशंसा की जाएगी, और अगर आप व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, तो व्यापार से भी आप आज लाभ कमाएंगे। और नई कार्य योजना के योग भी प्रबल बन रहे हैं, कोई नया कार्य भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, उसके भी अच्छे योग हैं। उपाय आप करें काला सफेद कंबल किसी धार्मिक स्थान में देने पर हेल्थ बेहतर होगी। शुभ रंग आपके लिए पीला और शुभ अंक आपके लिए आज 5। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो साइन। देखिए साथियों, आप जो भी धन से संबंधित ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या करते हैं आज के दिन, बहुत सोच समझ के करें, संभल करके करें, अन्यथा नुकसान हो सकता है आपको। और जहां पर भी आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है, रुका हुआ है, उसको प्राप्त करने के लिए अगर आज के दिन आपके द्वारा प्रयास किए जाते हैं तो वह पैसा भी आपका वापस आपको मिलने के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, संभावना बहुत अच्छी है। व्यवसायिक यात्रा आपके अनुकूल रहेगी, यानी कि जो भी यात्रा आप करते हैं अपने कार्य के सिलसिले में, वो भी जैसी आप रिजल्ट्स चाहते हैं ऑलमोस्ट आपको वैसे ही रिजल्ट्स भी प्राप्त होंगे उस यात्रा के दौरान या यात्रा के उपरांत। कानूनी मामले जो भी हैं अब तक, उनमें जो परेशानियां हैं, उलझने थी, उनमें भी अब उलझने दूर होंगी। और धन का प्रबंध करने में थोड़ी कठिनाई आपको जरूर आ सकती है। आहार की अनियमितता से आपको बचना होगा, यानी कि जो भी आपका खान पीन है अगर वो टाइमली नहीं है, उसका टाइम टेबल सही नहीं है, तो आपके लिए समस्या बन सकती है, शारीरिक कष्ट आपको हो सकता है। व्यापार नौकरी में आपको अच्छी सफलता प्राप्ति के योग हैं। उपाय आप करें भैरव जी पर मदरा चढ़ाने पर आर्थिक स्थिति और अधिक बेहतर और मजबूत होगी। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी और शुभ अंक आपके लिए आज 1। धनु राशि यानी कि सेजिटेरियस साइन। तो देखिए, आज के दिन मान सम्मान में वृद्धि होने के योग हैं आपके लिए। और अगर आप व्यापारी हैं तो कहीं नई कोई नया एग्रीमेंट, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट, कोई नई डील आपकी हो सकती है और ये आपके लिए बड़ी लाभकारी रहेगी आने वाले समय में। और कोई अपने कार्यों को लेकर के कुछ अच्छी नई योजनाएं भी आप बना सकते हैं। जहां तक आपका व्यवसाय का प्रश्न है, व्यवसाय आपका बिल्कुल आपकी इच्छा के अनुरूप चलेगा, जैसा आप चलाना चाहते हैं वैसे ही चलेगा और आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। बस इतना जरूर है कि कार्य जो भी आप करते हैं उसमें थोड़ा आपके धन का खर्च अधिक हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में भी भावनात्मक समस्याएं आपके लिए बनी रहेंगी और व्यापार में कुछ नए अनुबंध, व्यापार अगर करते हैं तो कुछ जो भी अनुबंध आप करें तो पहले उसका पूरा डिटेल में जाएं, पूरी उसकी नॉलेज इकट्ठी कर लें कि इससे आपको कितना बेनिफिट होगा आने वाले समय में, कितना नहीं होगा। बहुत
डिटेल में जाने के बाद, उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करने के बाद तभी कोई आप निर्णय लें अगर किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई कार्य करने जा रहे हैं। उपाय: पारिवारिक जीवन सुचारू रूप से चलाने के लिए घर में कभी भी कबाड़ या कूड़ा कचड़ा अपने इकट्ठा ना होने दें। शुभ रंग आपके लिए भूरा और शुभ अंक आपके लिए आज 8। मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न साइन। तो प्रिय साथियों, पूजा पाठ में, धर्म कर्म के कार्यों में आपका रुचि बढ़ेगा और कोर्ट कचहरी से संबंधित जितने भी मसले हैं उसमें भी आपके अनुरूप, आप जैसा चाहते हैं वैसे ही परिणामों की प्राप्ति आपको होगी और लाभ के कुछ और अच्छे अवसर भी आपको प्राप्त हो सकते हैं आज के दिन। इन सभी बातों को देखते हुए आपका मन बहुत प्रसन्न रहेगा। कुछ मानसिक अंतर्द्वंद भी पैदा होंगे, यानी कि कुछ चीजें आपके माइंड में ऐसी भी चलेंगी जिनको सोच करके या विचार करके थोड़ा चिंतित भी रह सकते हैं कि भाई कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। कुछ ऐसी चीजें रहेंगी जिनको लेकर के थोड़ा सा परेशानी या अशांति रह सकती है मानसिक तौर पे। पारिवारिक उलझनों के कारण भी थोड़ा सा मानसिक कष्ट रह सकता है, लेकिन आपको ये चाहिए कि आप पूरे धैर्य से काम लें, संयम से काम लें, पूरा पेशेंस बना करके रखें अगर आप चाहते हैं कि आज का दिन आपका शांतिपूर्ण ढंग से व्यतीत हो। और आज के दिन हो सके तो यात्रा ना करें। उपाय आप करें अच्छी सेहत के लिए, सूर्योदय के समय आपको सूर्य नमस्कार करना चाहिए। शुभ रंग आपके लिए ग्रे, शुभ अंक आपके लिए आज 3। कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस साइन। प्रिय साथियों, कोई पुरानी बीमारी आज के दिन कर सकती है आपको परेशान, कुंभ राशि के जो जातक हैं, और चोट लगने का भी भय बना हुआ है, दुर्घटना घट सकती है इसकी भी बात की कोई मतलब पूरी संभावना है, लेकिन आपको इन बातों का ध्यान रखना ही पड़ेगा और अपनी जो कीमती वस्तुएं हैं उनको भी संभाल करके रखिएगा। बाकी का जो समय है वो आपका आराम से सामान्य रूप से निकल जाएगा। व्यापार या व्यवसाय जो भी आप करते हैं वो भी आपका लगभग लगभग सही दिशा में चलेगा और दूरदर्शिता एवं बुद्धि चातुर्य से आपकी जो कठिनाइयां आ रही हैं आपको वो आप दूर कर सकते हैं। राज्य एवं व्यवसाय में सफलता मिलने के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं साथियों, और पठन पाठन में भी आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी, रुचि बढ़ेगी। उपाय आप करें छेद वाला कांसे का सिक्का चलते पानी में प्रवाहित करने पर फैमिली लाइफ आपकी बेहतरीन होगी, अच्छी होगी, स्मूथ होगी। शुभ रंग आपके लिए मैरून और शुभ अंक आपके लिए आज 7। मीन राशि यानी के पाइसिस साइन। तो साथियों, थोड़ी बहुत बेचैनी रह सकती है मानसिक तौर पे आज के दिन आप मीन राशि के जातकों को, और यदि आप अनमेरिड हैं, अभी अविवाहित हैं, तो कहीं से कोई अच्छा मैरिज के लिए प्रपोजल आपको मिल सकता है और कोर्ट कचहरी के जितने भी मसले चल रहे हैं अगर, तो वहां पर भी आपको संतोषजनक परिणामों की प्राप्ति आज के दिन होगी और धन का आगमन भी आपके लिए होता रहेगा। संतान का जो स्वास्थ्य है उस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है और परिवार के सहयोग से दिन वैसे तो आपका उत्साहपूर्ण ढंग से व्यतीत होगा। योजना अनुसार कार्य करेंगे तो लाभ अच्छा अर्जित कर लेंगे आप, आर्थिक मजबूती बनी रहेगी आपकी। उपाय आप करें आटा बूरा घी मिलाकर सूखे नारियल के गोले में भरकर पीपल के नीचे रखने से आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, मजबूत होगी। शुभ रंग आपके लिए आसमानी और शुभ अंक आपके लिए आज 4। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप 12 राशियों के जो जातक हैं मेष से लेकर मीन तक, उनका दैनिक राशिफल दिनांक 4 मई सन 2023, दिन बृहस्पतिवार, संवत 2080 का। और हमने आप सभी को ये बताने की कोशिश की है आज कि आपका आज का दिन किस प्रकार व्यतीत होगा, लेकिन मेरे प्रिय साथियों, अब समय आ गया है कि जब हमको अपनी वाणी को देना होगा यहाँ पर विराम और अपने आप सभी प्रिय श्रोतागणों से भी लेनी होगी इजाजत। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत सहृदय धन्यवाद। जय माता दी।